हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टूअर। दोस्तों, जो है आप नए दुकानदार हों या पुराने दुकानदार हों या नई जो है दुकान खोलने की प्लानिंग करने वाले हों कर रहे हों, तो आप सभी के लिए जो है ये महत्वपूर्ण जो है सूचना या चेतावनी मान लीजिए है। अगर जो है आप इसे नज़रअंदाज करते हैं तो आपको जो है भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है आगे आने वाले समय में। तो इसी वजह से मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है इस वीडियो को जरूर जो है लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा कि आपका जो है कैसे जो है नुकसान हो सकता है और उस नुकसान से जो है बचने का क्या उपाय है। इस वीडियो में, आज की वीडियो में यही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इसी वजह से वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसा कि आपसे हमेशा कहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और जिस समय जो है वीडियो पसंद आए उस समय लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, जो है अब टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं कि आपके लिए चेतावनी क्या है और किन बातों का अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको जो है भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि दोस्तों आप अगर मार्केट जो है करते होंगे, जैसे पुराने अगर दुकानदार हैं तो मार्केट करने गए होंगे या नए दुकानदार हैं वो भी मार्केट करने गए होंगे या फिर जो है जो खोलने वाले हैं नई दुकान वो मार्केट करने जाएंगे, इन तीनों लोगों के लिए जो है सेम चीज़ है। सेम तीनों लोग जो है बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखें और समझें कि उन्हें जो है किन बातों का जो है मार्केट करते जाते समय ध्यान रखना है। अगर वो बातें ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको जो है आने वाले समय में जो है भारी नुकसान हो सकता है। तो वो नुकसान किस तरह से हो सकता है, जैसा कि दोस्तों जो है जो पुराने दुकानदार होंगे या एक ही महीने पुराने होंगे या दो ही महीने पुराने होंगे, आप सभी लोगों को जानकारी होगा कि करीब 4-6 महीने पहले जो है बहुत तेज़ी से सामानों का रेट बढ़ा था, वायर का रेट, पाइप का रेट, हर आइटम का रेट जो है कभी 3% कभी 5% इस तरह से बहुत तेज़ी से बढ़ा था। और अगर जो है मैं रुपये में बात करूं तो जो सामान जो है 1500 का था उसका रेट जो है 1900 रुपये हो गया था, जो सामान 1700 का था उसका रेट 2400-2500 रुपये पहुँच गया था। तो इस तरह से मतलब कि 5-5, 7-7 सौ रुपये, 4-4 सौ रुपये, 3-3 सौ रुपये बंडल पीछे, पैकेट पीछे, इस तरह से जो है बढ़ा हुआ था सामानों का रेट। तो जिसकी जैसी खरीद थी, मतलब परसेंटेज में बढ़ता है तो जो बड़ा आइटम है तो उस पर उसी हिसाब से परसेंटेज बढ़ जाता है। अब मान लीजिए 170 रुपये का अगर कोई आप टू पिन प्लग खरीदते थे तो उस पर अगर 3% बढ़ता है तो आपको बहुत नहीं बढ़ेगा, 8-10 रुपया 12 रुपया इस तरह से जो है 8 रुपया इस तरह से बढ़ेगा, सॉरी 5-6 रुपया बढ़ेगा। लेकिन जो बड़े आइटम है तो उस पर परसेंटेज बड़ा उसी हिसाब से होता है, ठीक है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है रेशियो जो है बढ़ गया था जो है सामानों का रेट का। तो इसी वजह से अब धीरे धीरे मार्केट में सामानों का, जो पुराने दुकानदार हैं वो ध्यान दे रहे होंगे या जो मतलब 2 महीना 4 महीना 6 महीना 1 महीना पहले दुकान खोले होंगे, अब उन्हें भी लग रहा होगा कि सामानों का रेट जो है डाउन हो रहा है। तो जो पुराने दुकानदार हैं वो तो जो है खैर मैनेज अपना किसी न किसी तरह से कर लेंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। मेरा भी जो है इधर जो है काफ़ी लॉस हुआ, किस किस चीज़ में लॉस हुआ मैं अभी आपको जो है उसके बारे में बता दूंगा। तो दोस्तों, जो है रेट गिरने के साथ साथ जो है जब रेट गिरता है तो होता क्या है कि जो दुकानदार होते हैं उनकी पूंजी टूटती है, मतलब जो लागत है लागत में भी जो है लॉस जाता है। अब मान के चलिए जो सामान आपने 2000 रुपये में ख़रीदा है, अब आपको जो है अगर 1600 रुपये में बेचना पड़ेगा तो क्या होगा, 400 रुपये आपका घटते जाएगा। कम मिलना था जो है 50 से 100 रुपया 150 रुपया, लेकिन अब जो है 400 रुपया आपका नुकसान जा रहा एक सामान पे। इस तरह से तमाम सामान हैं जिन पर जो है रेट जो डाउन हो रहा है तो आपका जो है पूंजी टूट रहा है। तो पुराने दुकानदार तो खैर कभी प्रॉफिट कभी लॉस तो मैनेज कर लिए हैं, लेकिन जो नए दुकानदार भाई हैं वो उन्हें मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होगा हो रहा होगा। तो चलिए, जो है अभी तक तो जो आपने नुकसान सहा कोई बात नहीं है, लेकिन आगे से जो है आपको ध्यान देना है कि आपको जो है किस तरह से मार्केट में चलना है अगर आप जो है भारी नुकसान से बचना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मार्केट करने जाते हैं तो आप वो सब मतलब जो भी सामान ले रहे हैं उन सामानों को बहुत ही जो है सोच समझ के लीजिए कि ये सामान हमारे वहाँ जो है कितने दिन में बिक पाएगा और इतने दिन में जो हम कितना पीस बेच सकते हैं। मान लीजिए जो सामान आप जो है 100 पीस बेच सकते हैं उसे आप 100 पीस मत लीजिए, उसे आप 50 पीस लीजिए, 40 पीस लीजिए, इस तरह से लीजिए। भले ही आपको जो है अगर एक महीने में आप मार्केट करने जाते थे 10 ही दिन में जो 15 ही दिन में मार्केट करने जाइए, लेकिन आप जो है ज़्यादा स्टॉक करने के चक्कर में न पड़िए। क्योंकि अगर मान लीजिए जो सामान आपने स्टॉक किया उसका अगर रेट जो है काफ़ी डाउन हो गया, जिस तरह से रेट डाउन हुआ है 400-400 रुपये 800-800 रुपये 600-600 रुपये डाउन हो रहा है, तो उस तरह से अगर डाउन हुआ तो आप अगर जो है काफ़ी क्वांटिटी में उठा लेंगे माल तो आपका जो है होगा क्या, काफ़ी जो है लॉस हो जाएगा। तो
इसी वजह से जो है अब आपको जो है बहुत ही सोच समझ के जो है सामान लेना। हाँ, एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान और देना है, आजकल हो क्या रहा है कि जिस तरह से जो है रेट डाउन हो रहा ना, तो रेट में सबका नुकसान हो रहा, जो जिस हिसाब से स्टॉक किया उस हिसाब से उसका लॉस हो रहा। तो अब जो है जो बड़े स्टॉकर हैं, बड़े होलसेलर हैं, उनके पास माल जो है काफ़ी क्वांटिटी में जो है स्टॉक में पड़ा हुआ है। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे जो है अपने भरोसेमंद जो ग्राहक हैं उनको अगर वो 4 बंडल मांग रहे हैं तो उनको जो है 10 बंडल दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? अब आपको समझने की यही जो है फेर है। आपको लग रहा होगा कि यार लग रहा है कि जो बंदा मतलब मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, इस वजह से मुझे दे रहा है। लेकिन ट्रस्ट ट्रस्ट की कोई बात नहीं है। कुछ दिन पहले लोग 1 रुपया उधार नहीं देना चाहते थे, लेकिन आज जो है अगर आप जो है 5 मांग रहे हैं तो 10 दे रहे हैं, 15 दे रहे हैं। तो उसके कारण, उसके पीछे का कारण ये है कि जो रेट जो है उस समय का है वही रेट दे रहे हैं। अगर अगले दिन उसका रेट डाउन हो गया तो वो रेट नहीं लगेगा, जिस रेट पे आपको दिए थे वो उसी रेट से जो है आपका पैसा जोड़ के वो लेंगे। लेकिन अगर मार्केट में जो है उसका रेट डाउन हो गया तो आपको जो है अपना रेट डाउन करना पड़ेगा। अगर आपके मार्केट में कंपटीशन है तो वो रेट डाउन इस वजह से करना पड़ेगा कि मान लीजिए आपने जो है लाया जो है 1600 रुपये का सामान, उसका रेट आ गया जो है 1400, 1300 या 1200 जो भी आ गया। उसके बाद आप जिस दिन रेट डाउन हुआ, आप ही के मार्केट का दुकानदार गया जो है रेट डाउन वाले मतलब जिस डाउन रेट पे जो है लेके आया सामान, तो अब जो है जितने में आपकी खरीद पड़ी है वो उससे अगर 50 रुपया भी अगर वही रेट बेचेगा तब भी जो है उसको प्रॉफिट होगा। लेकिन आप अगर उस रेट पे बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर उसने जो है रेट डाउन कर दिया 50 रुपया 100 रुपया डाउन कर दिया तो होगा क्या, आपको 100 रुपया डाउन करके बेचना पड़ेगा तो उसमें आपका जो है लॉस होगा। तो अगर मान लीजिए अगर कम सामान जो स्टॉक में रहेगा, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो मान लीजिए कम ही आपका नुकसान होगा। लेकिन वहीं अगर आप ज़्यादा स्टॉक कर लेंगे तो आपका ज़्यादा नुकसान होगा। रेट तो जो है डाउन होता जाएगा लेकिन आपके वहाँ माल जिस रेट से आया है, जितने का आपका पर्चा बन गया, पेमेंट आपको उतने रेट से ही जोड़ के आपको देना पड़ेगा। तो इसी वजह से जो है आप बहुत अलर्ट रहें, मार्केट करने जाएं तो आपकी जितनी ज़रूरत है ज़रूरत से जो है कम ही सामान लें, ज़रूरत से ज़्यादा सामान लेने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर जो है होलसेलर या दुकानदार जो भी अगर आपको देने की कोशिश करता है तो आप उसे मना करें, बिल्कुल इन चीज़ों से बचें। नहीं तो अगर आप नहीं बचते हैं तो मान के चलिए कि आपको जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारे पास अभी एक कल परसों में जो है कॉल आई थी गिरजेश मौर्य आजमगढ़ से, उन्होंने बताया कि भैया जो है मेरे वहाँ भी होलसेलर इसी तरह से कर रहे हैं कि बिना जो है कहे जो है सामान ले आके पहुँचा दे रहे हैं। तो समझने वाली बात है कि आखिर जो है अभी तक सामान जो है आर्डर लगाने पर नहीं आता था, इस समय जो है सामान बिना जो है आर्डर लगाए पहुँच जा रहा। तो उसका रीज़न एक तो ये हो गया कि रेट जो है डाउन हो रहा, ये भी हो गया। फिर मार्केट जो है इस समय बहुत ज़्यादा नहीं चल रही है तो बहुत सारे लोग इस वजह से भी जो है माल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि माल पहुंचा देंगे तो आज नहीं कल पैसा मिल ही जाएगा। ठीक है, तो दो चीज़ें, तो आप बिल्कुल जो है इन सारे चक्करों में बिल्कुल ना पड़े कि ज़्यादा अपने वहाँ की माल गाजने के चक्कर में कि हाँ यार जब मिल रहा तो लाओ रखते हैं क्या मुश्किल है। हाँ, अगर आपके वहाँ कंपटीशन का मैटर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल ला के रखिए। लेकिन अगर कंपटीशन का मैटर है, 2-4 दुकानें वहाँ पे आपके भी मार्केट में हैं इलेक्ट्रिक की, तो बिल्कुल जो है इन चीज़ों से बचिए। अब मैं आपको जो है अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा अभी तक जो है कितने का नुकसान हो चुका है, मतलब मोटी मोटा में जो मेरे सामने जैसे दिख रहा है। जैसा कि जो है कुछ दिन पहले तक जो है पीवीसी का रेट काफ़ी बढ़ा हुआ था, हमारे वहाँ जो है फिनोलेक्स पाइप का रेट हो गया था 2400 कि भाड़ा किराया लाकर जो है करीब 2400 15-20 रुपया जो है 30 रुपया बंडल के पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन जिस दिन मैं मंगाया उस दिन के बाद करीब 3-4 दिन गुजरने के बाद जो है सीधे इस पाइप का रेट जो है डाउन होना चालू हुआ। 2350 हुआ, फिर 2300 हुआ, फिर 2250, फिर 2200, फिर 2100, ऐसे करते करते रेट आ गया 2000। और जब रेट 2000 आ गया उस समय मेरे पास जो है 7 बंडल जो है फिनोलेक्स पाइप था। रेट डाउन होने के बाद से मुझे मजबूरी में रेट डाउन करके बेचना पड़ा क्योंकि मार्केट में जो है और भी दुकानदार रखते हैं माल, तो उनका जो है नया नया माल मतलब गिरे हुए रेट से जो है माल आया था तो वो लोग जो है उस हिसाब से जो है अपना सेल कर रहे थे तो हमें भी करना पड़ा, जबकि 2 बंडल का एक कस्टमर हमारा चला भी गया कन्फ्यूजन में। मैं उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया, मतलब मेरे माइंड में कुछ और चल रहा था, मुँह से कुछ और निकल गया। बाद में मुझे एहसास हुआ जब वो पाइप मेरे दुकान के सामने से लेके जाने लगा, तो उस समय जो है वो 2 बंडल रुका, मतलब उसमें भी नुकसान ही होके जा रहा था। लेकिन अगर वो 2 बंडल निकला होता तो मेरा और कम नुकसान हुआ था। लास्ट टाइम में जाते जाते जो है 2000 बंडल आ गया, 2000 बंडल के हिसाब से
मतलब उस पर अपना जिस हिसाब से मार्केट में लोग रख रहे थे उस हिसाब से हम अपना रखें, और किसी तरह से नुकसान की मतलब मान के चलिए कि बंडल पीछे करीब 400-430 रुपया मेरा टूटा, ये सामान किसी तरह से ख़त्म हुआ। उसके बाद से मैं सोचा कि यार अभी तो पाइप है नहीं, कहीं साइड आ गया, जैसे दो साइड मुझे दिख रहा था कि हो सकता है कि वो वाला काम चल मतलब मुझे मिल जाए, तो फिर जो है मैं दो बंडल फिर आर्डर लगा दिया, जिससे मैं 2000 रुपये का रेट था। जिस दिन मैं मंगाया उसके नेक्स्ट डे आउट ऑफ स्टॉक पाइप हुआ, और उसके नेक्स्ट डे जो है जब स्टॉक में आया तो उसका पाइप सीधे आ गया 1800 रुपये एक बंडल पीछे। फिर जो है इस दो बंडल में भी 200-200 रुपये मेरा टूट गया। उसके बाद वायर में भी, आरआर वायर में भी वही हाल हुआ। आरआर वायर में तो खैर नुकसान नहीं हुआ, बस ये है कि जितना जो है मैं खरीद के लाया था उसी रेट पे जो है बेचना पड़ा, लॉस नहीं हुआ। तो दोस्तों जो है इस तरह से कुछ न हर आइटम में अगर देखा जाएगा तो कुछ न कुछ जो है लॉस होने का इस समय चांस, अगर आप ज़्यादा स्टॉक करते हैं तो थोड़ा रहेगा, समय से आप बेच लेंगे, नया माल लेंगे, अगर कम रेट हुआ रहेगा तो फिर उसी हिसाब से कम रेट में आप बेचेंगे। लेकिन ज़्यादा रख लेंगे, 6 महीना पता चला कि आपके वहाँ स्टॉक में रह गया, 6 महीने बाद ठीक ठाक रेट जो है डाउन हो गया, फिर आप अगर उस रेशियो से अगर जो है किसी कस्टमर को देंगे आगे जाके मिलाएगा तो बोलेगा काफ़ी जो है आप महंगा सामान देते हैं, बहुत ठगते हैं, और अगर जो है मार्केट वाले हिसाब से चलेंगे तो आपका काफ़ी लॉस होगा। फिर अगर जो है आप छोटे पूँजी वाले हैं तो दुकान जो है बंद करके आपको जो है घर जाना पड़ सकता है। तो इसी वजह से मैं कहूँगा कि अगर आप नए हों पुराने हों जो भी दुकानदार हैं तो जितनी आपकी ज़रूरत है ज़रूरत के हिसाब से कम ही लें, 100 की ज़रूरत है 50 लें, 50 की ज़रूरत है 25 लें, ठीक है, बढ़ने की कोशिश ना करें। हाँ जब रेट स्थिर हो जाएगा मार्केट में तब जो है आप जिस हिसाब से जितना स्टॉक करना चाहते हैं रखना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं रखिए, लेकिन जब तक मार्केट में रेट स्थिर नहीं होता तब तक जो है आप इन चीज़ों से जो है बचिए, स्टॉक करने के चक्कर में कम ही माल रखिए, मतलब सुखी रहिए, टेंशन फ्री रहिए। ये नहीं रहेगा ना कि यार इतना महंगा लाया था अब मेरा जो है इतना लॉस हो के जो मुझे बेचना पड़ रहा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है मेरी बातें समझ में आई होंगी, अगर बातें समझ में आई हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करिएगा आप, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जो है किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी जो है आप कमेंट करके बताइए कि मुझे जो है नेक्स्ट वीडियो जो है बनाने में आसानी हो आप लोगों के लिए। तो इसी तरह से मिलेंगे जो है न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।